दुनिया भर की तरह कराची में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे हैं। एनआईएच के मुताबिक 33 नए केसेस की तस्दीक हो चुकी है। बाकी केसेस के जीनोमिक टेस्ट किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं जिन अस्पताल में मौजूद है नुमाइंदे यासिर सलीम। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना वायरस के केसेस, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो केसेस हैं वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद की जानिब से जो है वो कराची में 33 केसेस जो हैं उनको कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ पे वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस जो हैं वो आ चुके हैं। हम आपके बताया चलें कि पहला केस जो है वो 60 साल जो है खातून का केस आया था, उसके बाद 35 साल एक बरतानिया का शख्स था जो कि ब्रिटिश से ट्रैवल करके जो है वो कराची पहुंचा था। इसके अलावा मजीद केसेस भी जो हैं वो 33 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और मजीद 12 केसेस भी जो हैं वो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर जो है वो सामने आए हैं, जिसके जेनोमिक टेस्ट के लिए जो है वो इस्लामाबाद में सैम्पल्स जो हैं वो भेज दिए गए हैं। और जो अफराद जिनके मजीद कोरोना केसेस जो सामने आए हैं लेटेस्ट, उनको जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है। हम आपके बता चलें कि दुनिया भर की तरह जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस जो है मुसलसल सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में कराची और हैदराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर भी जो ओमिक्रॉन वेरियंट है वो मुसलसल तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। महकमा सेहत के माहरीन का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीन करवाए जाएँ और जो लोग 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं वो लोग बूस्टर वैक्सीन जो है वो लाजमी करवाएं, और फाइजर की वैक्सीन जो है वो सबसे मौसर साबित हो रही है अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए।